दादा नमस्कार। नमस्कार। आज हम शिव कुमार दीपक जी के यहाँ हैं। दादा आप अपन शुरुआत के कुछ कहानी बताओ, मतलब जो स्टार्ट कहाँ हुई सापला, आप कहाँ से एक प्रेरणा पाया हो, आप ये सब नाटक में आए हो। मैं बचपन में बहुत छोटा सा ना जी, तब रामलीला कृष्ण लीला देखा करता था, उस टाइम वही चलता था जी, वही चलता था। लीला नाटक वाटक नहीं चलता था। हाँ हाँ। तो बचपन में उसको देख के और के जोकर के एक्टिंग वगैरह देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ। वहीं से हम लोग बचपन में छोटे छोटे साथी लोग मिल के घर से कपड़ा वपड़ा ले जाके किसी के कोठे में, किसी के सुने घर में या खंडहर में जाके अपना वही रामलीला कृष्ण लीला खेला करते थे। बढ़िया हो। और बड़ा बढ़िया लगता था। हाँ हाँ। तो ये करते करते हम लोग जब कॉलेज में गया, स्कूल में गया, तो फिर बड़े बड़े नाटक करने लगा, सिनेमा देखने लगा। हाँ हाँ। तो धीरे धीरे क्या है, मैं सब फिल्म बनना, पहला छत्तीसगढ़ी फिल्म। हाँ, तो वो छत्तीसगढ़ी फिल्म में मेरे को मनु नायक ने मौका दिया, उसमें काम किया मैंने छत्तीसगढ़ में। तो पहला छत्तीसगढ़ में मैं छत्तीसगढ़ का पहला कलाकार था जो उसमें काम किया जी। इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिला जी जी। उसमें पूरे काम करने वाले कलाकार थे, सब बंबई के कलाकार थे फिल्म वाले, और मैं अकेला एक छत्तीसगढ़िया कलाकार था। अच्छा। तो उन लोगों का भी आशीर्वाद और प्रेरणा मिला मुझको जी जी, है ना, बंबई कलाकार का। हाँ। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि बंबई वाले भी मुझको बुलाने लगे कार्यक्रम इस तरीके। हाँ जी। इस तरीके मैंने दो छत्तीसगढ़ी फिल्म और बहुत सारे सीरियल में काम किया, हिंदी सीरियल में। हाँ, हाल बंदूक, सौभाग्यवती और हकीकत, एक सीरियल और एक दो सीरियल में और बहुत सारे काम किया बंबई कलाकारों के साथ। हाँ हाँ। तो ऐसा बढ़ते बढ़ते मैंने जब पहला छत्तीसगढ़ी फिल्म बना उसमें भी काम मिला जी जी। उसके बाद लगातार छत्तीसगढ़ी फिल्म बनते गया बनते गया। हाँ। मेरे को काम बहुत मिला कॉमेडी कॉमेडी। अक्सर क्या है। हाँ। मैं बचपन से ही कॉमेडी का शौक रहा है, कॉमेडी करना। हाँ। लोगों का हंसाना। हाँ। और तो पास गांव में बैठ के उनके हाव भाव देखना, बातचीत अदा देखना। और ऐसा करते करते मैं लेडीज रोल में, लेडीज काम में, एक्टिंग में, बातचीत में बहुत माहिर हो गया जी, जी। तो तीन चार मेरे चेले भी बन गए। हाँ। उन लोग भी साथ किए। हाँ। और फिर उसके बाद मैं छत्तीसगढ़ी फिल्म माया दे दे माया ले, प्रेमचंद्रा करके फिल्म में, उसके बाद तुरमाया के मारे। हाँ। और पांच छह पिक्चर में छत्तीसगढ़ी में काम किया, खास करके प्रेमचंद्रा करके फिल्मों में ज्यादा किया जी, जी। इतना करते करते छत्तीसगढ़ी प्रहसन में माहिर हो गए जी। मेरे चेले भी बन गए बहुत सारे, उनको भी सिखाया, सब साथ में काम कर। और साथ साथ में खुमान साहब चेन्नई, ये चेन्नई गोंदा रामचंद्र देशमुख का है। हाँ। रामचंद्र देशमुख को विसर्जन कर दिया जी। तो उसके बाद खुमान साहब ने इसको उठा लिया कि मैं चलाऊंगा, और वो अपना मन के चलाने लगा। हाँ। तब उसमें मैं, मेरे को पहले उसने नहीं बुलाया जी। बहुत दिन बाद मेरे को बुलाया और काम दिया, बोले आप चंदेनी गोंदा में शामिल हो जाओ। फिर चंदेनी गोंदा में करते रहा, तो आखिरी दम तक मैं चंदेनी गोंदा में काम करते रहा, खुमान साहब के अंतिम समय तक उनके साथ। हाँ। उस टाइम मैं दुर्गा कॉलेज में पढ़ता था रायपुर में जी। तो उस टाइम नागपुर में अखिल भारतीय युवक महोत्सव हुआ, यूथ फेस्टिवल, यूथ फेस्टिवल। हाँ। जिसके अध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा जी। हाँ जी। तो ये अखिल भारतीय युवक महोत्सव हुआ नागपुर में, उसके उद्घाटन के लिए नेहरू जी आए थे।
उस समय प्रधानमंत्री थे वही नेहरू जी जी है नहीं, जवाहरलाल नेहरू आए थे उस टाइम प्रधानमंत्री थे। तो मेरे को सब जगह से कुछ जगह से चुने हुए कलाकारों को वहाँ बुलाया उस दिन, चार पांच प्रोग्राम करना है नेहरू जी के सामने कह के जो राष्ट्रीय विषय पे जी। तो उसमें मेरे को भी रायपुर से बुलाया जी, कॉलेज से, शिव कुमार दीपक तुम भी आओ यहाँ नेहरू जी के सामने कार्यक्रम दे। नेहरू जी के सामने राष्ट्रीय कार्यक्रम दिया, देश से देशभक्ति देश सेवा के बारे में, देश के लिए मर जाना मिट जाना हाँ। इसके विषय में था। तो उसको नेहरू जी ने देख के इतना खुश हुआ कि मेरे आशीर्वाद दिया, पैर पड़ा उनका जी। और बोले बेटा तुम ऐसी देश सेवा के कार्यक्रम नाटक प्रसन्न किया करो, है ना, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम ये समझो तुम दीपक बन के जलो और देश के प्रकाशित करो, राष्ट्र सेवा करो, देश के ये मुझे आशीर्वाद दिया और उस दीपक बोला। तो मैं उस दिन से दीपक बन गया फिर शिव कुमार हाँ हाँ। नए जो युवा कलाकार अभी आ रहे हैं हाँ। इन लोग के लिए कोई सलाह देना चाहें आप? नया युवा कलाकार के यही है कि अपने कला के प्रति समर्पित भाव से काम करो जी, हास्य के साथ राष्ट्र सेवा समाज सेवा इसमें भाव होना चाहिए, उसमें नाटक का भाव उसमें शामिल होना चाहिए जी हाँ, तभी वो है हाँ। तो मेरे नाटकों में जैसा नाटक करता था तो उसमें देश सेवा समाज सेवा लोग जन सेवा के विषय में भी कुछ विषय रहता था, उसमें हास्य शामिल रहता था। तो ये साथ करना जरूरी है, जब तक आप उसमें कुछ बात नहीं करोगे, कुछ देश सेवा या समाज सेवा या जन सेवा की बात नहीं करोगे हैं, उसके साथ उसमें गुदगुदाने वाली बात किया करो, ये मेरा कहना है जी जी। हाँ हाँ, अपनी कला को समर्पित समाज के लिए करो बिल्कुल हाँ, ऐसा नहीं सिर्फ जोकड़ाई करके हंसा दिए, उतने में नहीं है हाँ। तभी होगा। हम तो ऐसा व्यंग किए हैं जी, कि राष्ट्रीय स्तर पे व्यंग किए हैं। देखिए कला साहित्य संस्कृति यही किसी प्रांत का किसी देश का एक धरोहर है, धरोहर है, ये इसी से आगे पनपता है। मैंने देखा है साउथ बंगाल में इन कलाकारों को या कला को बहुत सम्मान देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, उनकी संस्कृति आगे बढ़ गई है। अब आज वहाँ की संस्कृति बंगाल की या साउथ की बहुत आगे बढ़ गया है, बिल्कुल। और हमको इसी संस्कृति को साहित्य को साहित्यकारों को कलाकारों को आगे बढ़ाना है, तभी अपने प्रांत का देश का भाषा का सम्मान होगा, मान होगा जी। बिल्कुल बिल्कुल, आशा करते हैं कि आपकी बात शासन प्रशासन तक पहुँचे। और आज हम शिव कुमार जी दीपक से मुलाकात कर रहे थे और सारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं जो इतना अच्छा कार्य किए, और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।